बेलीपार थाना क्षेत्र के नौसड़ बेलदारी टोला से 6 माह पूर्व गायब हुई किशोरी को बेलीपार पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी युवक के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में किशोरी की मां द्वारा 15 मार्च 2019 को गांव के पड़ोसी युवक द्वारा किशोरी के अपहरण किए जाने की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको बता दें, बेलीपार क्षेत्र के नौसड़ बेलदारी टोला की एक किशोरी को उसी गांव का निवासी युवक शेषनाथ पुत्र ओम प्रकाश भगा ले गया था। किशोरी की मां ने गांव के एक युवक के खिलाफ अपहरित करने की तहरीर दी थी, जिसे बेलीपार पुलिस ने क्षेत्र के हरैया तिराहे से कहीं भागने का प्रयास करते समय गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में 363/366 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए किशोरी की माँ और SP साउथ विपिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा, हमारे नाम है शेषनाथ चौराहे पर से हमारी लड़की लेके फरार हो गए बम्बई में। ओकरे बाद यहाँ बेलीपार थाने में हम मुकदमा लिखाया है। सब थाने पे सब बरामद ही हुआ है। आज पकड़ के बरामद ही हुआ। कितने दिन पहले तुम्हारी लड़की गायब हुई? हो गए 3-4 महीना। आज लड़की थाने बरामद हो गई, तुम्हारे साथ जा रही है कि नहीं जा रही? लड़की नहीं जब आती है, उसके लिए नहीं आती है तो लड़की भागती है। 15 साल की लड़की हमारी है, नाबालिग ही है। लड़की तो बता रही कि बालिग है, वो उसके पास आधार कार्ड है। हाँ तो आधार कार्ड है तो 13 साल के ना है, 13 साल के है। अपराध पंजीकृत हुआ था थाना बेलीपार में मार्च में, लड़की के 363/366 का उसकी माँ ने दिया था, सावित्री देवी उनकी माँ है, उन्होंने दिया था इसकी सूचना थाने पे। उसकी बरामदगी है तो प्रयास किया गया, कभी सूचना मिली थी कि बॉम्बे में है और वो है, लेकिन वो बरामद नहीं हो पाई थी। आज पुलिस ने उसे बरामद किया है और एक अच्छा हुआ है कि लड़की की बरामदगी भी हो गई है और अभियुक्त जो था वो भी गिरफ्तार हो गया।